अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। आप देख रहे हैं एन एफ रियल इस्टेट, अल्हम्दुलिल्लाह ऑथराइज डीलर ऑफ डी एच ओ गुजरावाला। आज हम जी मौजूद हैं इस टाइम पे 156 फिट रोड, जो बुलेवार्ड है, जो 200 फिट बुलेवार्ड से आती है जी। 156 फिट की रोड, ये वो रोड है ये जो आके कनेक्ट करती है सी और जी सेक्टर को, C5 और G3 को जो डिवाइड करती है रोड। 156 फिट रोड जो 200 फीट बुलेवार्ड से कनेक्ट होनी थी जी, ये कनेक्ट कर दिया गया उसको। 200 फीट बुलेवार्ड, जैसा कि आप सबको पता है, ऑलरेडी जो है वहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका हुआ है 200 फीट बुलेवार्ड पे, और वहाँ पे काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। उसके साथ साथ आपको ये भी अपडेट देता चलूँ कि जो कनेक्टिविटी का इशू था सेक्टर्स के साथ, सबसे बड़ा इशू यानी ये जो गुजरावाला में जो कहा जाता था, वो सबसे बड़ा इशू ये था कि 200 फीट मेन बुलेवार्ड कब बनेगी, जबकि DHA गुजरावाला ने उसका जो है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है, जो कि हम लोग समझते थे कि शायद इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, कोई 2-4-5 साल लगेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा अंदाज़ा था कि इतना टाइम नहीं लगता, बिकॉज़ DHA जो है ये DHA कोई प्राइवेट सोसाइटी नहीं है जो इतना टाइम लगा दे सिर्फ एक बुलेवार्ड को क्लियर करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 200 फीट बुलेवार्ड जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है। उसकी मशीनरी अगर कहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम करके दिखाने की, ये मशीनरी उसकी वहाँ पे इस टाइम पे मौजूद है, ठीक है। ये ब्लर नज़र आ रहा होगा लेकिन जूम कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इस वजह से। उसके बाद वहाँ 200 फीट बुलेवार्ड से ये 156 फीट रोड आनी थी जो आगे कनेक्ट होनी थी जी यहाँ पे। ये सेक्टर C5 है मेरे राइट साइड पे, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर C5 है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे हमारे ये 156 फीट जो रोड है ये तो कारपेट हो चुकी हुई है, ठीक है। और ये लेफ़्ट साइड पे हमारे जो है जी ये सेक्टर G3 है, ये सामने उसका वाटर टैंक है, ठीक है। आगे G2 का 10 मरला का, ठीक है। वो जो वाटर टैंक आगे आपको नज़र आ रहा है जी, ये G1 सेक्टर का वाटर टैंक है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये 156 फीट बुलेवार्ड थी जो आके थ्रू आउट कनेक्ट होनी थी 200 फीट बुलेवार्ड से, तो ये 200 फीट बुलेवार्ड के साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे काम जो है फिलवक्त अच्छी खासी तेज़ी से जारी है। यहाँ पे मशीनरी आपके सामने नज़र आ सकती है आपको, ठीक है। और दूसरा ये 156 फीट रोड जो सी ब्लॉक की तरफ से आनी थी वो भी बन रही है जी, और ये भी जो आगे कनेक्ट करती है सारी C5 से लेके आगे G3 हो गया, G4 हो गया, फिर L ब्लॉक हो गया, उसको जाके L ब्लॉक की जो 156 फीट रोड है उसको कनेक्ट करती थी, उसकी भी ये एक साइड कारपेट उन्होंने कर दी है। इसके बाद दरमियान में ग्रीन बेल्ट आएगा, अगेन यहाँ पे रोड आएगी जो ये जो उसकी जो है उसको मुकम्मल किया जा रहा है, उसको कारपेट करने के लिए जो है उसकी तैयारी की जा रही है। ये एक रोड आपके सामने कारपेट नज़र आ रही है, इसके दरमियान में फुटपाथ आएगा, अगेन रोड आएगी, उसके बाद फिर सर्विस लेन आएगी। इसी तरह ये जो रोड है इसके साथ आप देख रहे हैं गैप नज़र आ रहा होगा आपको, इसके साथ फुटपाथ लगेगा, ठीक है, ब्लॉक्स लगेंगे, उसके बाद अगेन यहाँ पे सर्विस लेन आएगी, और यहाँ पर जो प्लॉट आएंगे वो फेसिंग 156 फिट रोड आएंगे, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं ये रोड भी बन गई हुई है एक साइड, दूसरी साइड भी यहाँ पर इंशाल्लाह जल्द कम्प्लीट हो जाएगी, और ये डायरेक्ट जाके कनेक्ट करती है जी L ब्लॉक को, ठीक है। और ये 156 फीट रोड जो है इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ भी काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पे अभी इस टाइम पे ये दोनों इशू रिजॉल्व हो चुके हैं DHA गुजरावाला के। अब यहाँ पे कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं बची कि जिसका आप कोई मतलब कि एतराज़ कर सके। हाँ, पोजेशन जो है, पोजेशन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो काम शाम इस टाइम पे जिस स्पीड से हो रहा है आप देख सकते हैं, C5 की रोड्स जो हैं वो कारपेट हो चुकी हुई हैं। उसके अलावा सेक्टर G1, G2, G3, G4 तकरीबन 100% तकरीबन आप कह सकते हैं कि रोड जो हैं वो कारपेट हो चुकी हुई हैं। कोई काम ऐसा बचा नहीं है कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि यार ये काम रह गया है, इसकी वजह से पोजीशन लेट हो सकता है या ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। इलेक्ट्रिसिटी का काम है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि DHA गुजरावाला ने जब कमर्शियल एरियाज़ को जब दिया था इन्होंने पोजीशन, तब भी वहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है DP पोल वगैरह नहीं लगे हुए थे, उन्होंने पोजीशन दे दिया था। और DP पोल लगाना कोई इतना बड़ा मतलब इशू नहीं है, वो इतना ज़्यादा काम नहीं होता, वो DHA मैनेज कर लेता है। बहरहाल आज की ये लेटेस्ट अपडेट थी जी, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद जो है अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।